अब्दुल्ला के साथ ढोलकी के साथ और आंसू की मधुर मधुर आवाज के साथ जब अत्याचार बढ़ गया तो वहां ने अपना लिया और अपनी बेटियों की रक्षा एक बार जोरदार सारी बेटियों के लिए बजा दीजिए। तो आइए मतलब बातों ही बातों में हम सब कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है, बस जोरदार तालियां बजा दीजिए उन बातों के लिए। और खूबसूरत बात यह है कि हमारी बेटियों का नृत्य है माँ की आराधना है, माँ ममता है, माँ करुणा है, माँ रचयिता है। लेकिन जब जब ये जुल्म बना है तो माँ ने दुर्गा का अवतार लिया है राक्षसों को मारने के। जो एंकरिंग आज यहाँ पे ये कर रहे हैं इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं जेएनके एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंदिरों के शहर में कि इन्होंने कोविड के बाद पूरे देश भर के कलाकारों को जिस प्रकार से इस मंच के ऊपर इकट्ठा किया और उन कलाकारों का भी मैं मंदिरों के शहर में स्वागत करता हूँ। ये जो कलाकार जो अलग अलग राज्यों से हमारे देश से यहाँ पर इकट्ठे हुए और जो समा बांधा और पूरे आर्ट और कल्चर को संस्कृति को हमारे एक माला में पिरोकर जिस प्रकार से यहाँ पर
इन लोगों ने, इन कलाकारों ने सचमुच में बता दिया कि हमारा देश एक है। अलग अलग ताल, अलग अलग वादन और अलग अलग इनके इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, वो आ जाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होती है और कहीं ना कहीं उसकी जो झलक दिखती है हमारे हिंदुस्तान की, वो आज हमने इस मंचन पे देखी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने गुलजार जी का और उनकी टीम का, जिन्होंने इसका मंचन किया और हम मेरे को और मेरी धर्मपत्नी प्रिया सेठी जो यहाँ पर बुलाकर हम लोगों के साथ इन कलाकारों को शुरू कराया। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की तरफ से अपने देश भर से आए हुए कलाकारों का दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। और गुलजार जी का भी एक बार फिर और संजीव जी का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम वाकई कभी ना भूलने वाली शाम है। धन्यवाद आपका।